आज अपने इस अवस्था के बावजूद भी पूरे जोशो खरोश से बालों से आकर यहाँ विराजमान हैं और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, और साथ ही बालों से हथौर से आए हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी और इस क्षेत्र के जाने माने कृषि विशेषज्ञ वैद्यराज श्री मोतीराम साहू जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। वह कृषि के ज्ञाता के साथ ही वैद्य भी हैं और उनके बगीचे में ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों का संकलन है और ऐसे पेड़ों का संकलन है जो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते। साथ ही बहुत अच्छे कवि भी हैं, वे अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपके उत्साहवर्धन के लिए मैं विकास के घातक गेट करार देश को करेगा निष्प्राण, भ्रष्ट नेताओं के सादर निमंत्रण पर विदेशी कंपनी कर दिया हैरान, आर्थिक शोषण से देश चरमरा गया आगे क्या होगा भगवान, आर्थिक संकट शोषण से उबारे दीक्षित युवा शक्ति आह्वान, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा प्रणेता हो या भगवान, भारी संकट समन दमन युवा शक्ति उनचास पवन तूफान, सच्चा सेवक साधक सपूत राजीव को सत सत नमन सत सत प्रणाम प्रणाम। कुछ जरूर चाहिए, आप कहेंगे क्या चाहिए तो प्रश्न चिन्ह है, कुछ जरूर चाहिए। हम कई कदम आगे हैं फिर भी आज परिवर्तन चाहिए, वक्त की पुकार है व्याकुल वसुंधरा को शीतल चंदन चाहिए, धान के बदले औषधि पौधे गन्ने दलहन तिलहन चाहिए, प्रदूषण से वातावरण प्रदूषित है धरा को हरा आभूषण चाहिए, पार्टी वर्ग से गांव चूर चूर हो गया कोई स्वर्ग से अवतरण चाहिए, एकता संगठन भाईचारा राष्ट्रीयता संतोष और लगन चाहिए, समस्याओं में निदान छिपा हुआ होता है विशुद्ध वातावरण चाहिए, वेट गेट देश को मिटाने की साजिश जन जागरण चाहिए, ईंट की जवाब पत्थर रास्ता खतरनाक है बदल देना चाहिए, गोवंश खतरे के अंतिम छोर पर है रक्षण और पोषण चाहिए, धरती प्रदूषित हो चुकी है गोमूत्र गोबर रक्षा कवच है अनुमोदन चाहिए, तो किसका अनुमोदन चाहिए तो हमारे नेताओं का अनुमोदन जरूरी है इसलिए अनुमोदन चाहिए, मोती का अगर कहना मानो व्यथित भारी मन को अमन चाहिए। अच्छा, मैं एक स्वदेशी गीत सुनाता हूँ शायद अच्छा लगे, वैसे तो मेरा हो मैं ये स्वदेशी गीत इसलिए भी जरूरी है कि आप लोगों को थोड़ा ऊर्जा आ जाती है और इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, जो हाथ से बना हो या करीब से लिया हो, जिसमें सने भरा हो वह चीज है स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, जो गांव में बना हो और गांव में खपा हो, जो गांव को बसाए वह काम है स्वदेशी, कर शक्ति का विभाजन मिटे पूंजी का कुशासन, बने गांव स्वावलंबी वह नीति है स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मानव वही है जिसने मानव का दर्द जाना, जो करे मनुष्यता की रक्षा वही स्वदेशी, चट्टान टूट जाए तूफान घूमर के आए, गर्मो तभी पुकारे
स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी मेरा हो मन स्वदेशी मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी मेरा साधन स्वदेशी तकनीकी भी स्वदेशी कोटि कोटि हस्तपाद निर्माण करता भी स्वदेशी गाय को बचाई गाय बैल पर आधारित खेती हो गोमूत्र गोबर जड़ी बूटी वन औषधि हमारी औषधि हो खेती बागवानी हेतु खुद की उन्नत और बीज हो तभी होगी पूर्ण स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी मेरा हो मन स्वदेशी मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। एक दो लाइन अनुप्रास आधा छत्तीसगढ़ी आधा हिंदी। जम्मा जम्मा जनता जागबो जल्दी जगा के जीवन ज्योति ला जम्मा जनता जागबो जल्दी जगा के जीवन ज्योति ला बांट बिराज के बनबो सब बटोरबो बिखरे मोती ला। इसमें जा है बा है अनुप्रास है। धन्यवाद आपने समय दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा सेटिंग इतना अच्छा नहीं बनेगा। धन्यवाद साहू जी आपके ओजपूर्ण कविता और गीत से थोड़ी बहुत चुस्ती फुर्ती तो आई लेकिन राजीव भाई का जैसा आग्रह था कि सब लोग गाते तो एक बार और जागृत हो जाते और ज्यादा चुस्ती फुर्ती आ जाती और एक नई ऊर्जा आ जाती कि सुबह से जो हम बहुत सारे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं तो जरा और प्रफुल्लित हो जाते। खैर मैं अब आज के इस कार्यशाला का जो प्रथम दिवस है उसके तृतीय सत्र के लिए आमंत्रित करूंगा राजीव भाई को और जैसा कि हमें उम्मीद थी कि इस समय साथ बत्ते बत्ते बहुत सारे नए लोग आ जाएंगे और उनके साथ कुछ नए विषय पर चर्चा होगी और नए विषय उठाकर उस पर राजीव भाई का व्याख्यान होता और उस पर फिर और आगे चर्चा होती। फिर भी जो भी यहां पर उपस्थित हैं उनके साथ हम कुछ नए और मुद्दे लेकर उन पर विचार विमर्श करेंगे और सुनेंगे उन सभी मुद्दों को जिनसे यह देश यह समाज यह जनता बुरी तरह आक्रांत है चाहे WTO का मुद्दा हो और WTO के तहत जो पेटेंट कानून अभी जो आए हैं और उसके तहत दवा वगैरह और जो कृषि के क्षेत्र में बीजों का नाम पर जो किसानों का शोषण होने वाला है और किसानों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है और उस सभी विषयों के साथ ही निजीकरण उदारीकरण भूमंडलीकरण की जो समस्या जिन उद्देश्यों को लेकर यह आंदोलन पिछले 15 वर्षों से चल रहा है उन्हीं नए मुद्दों पर नए और पुराने मुद्दों पर हम विचार विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पर फिर से एक नया एक्शन प्लान तैयार हो एक साझा कार्यक्रम तय हो। जैसे कृषि के मुद्दे पर सुबह हुआ कि अपन हम कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लोगों तक पहुंच सकते हैं और सकारात्मक रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं इसी कुछ नए मुद्दों को लेकर आपके सामने फिर से चर्चा के लिए अपने उद्बोधन के लिए आपके सामने मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजीव दीक्षित जी को। अभी सर्विसेज पे बात करनी है या पेटेंट पे? सर्विसेज पे।
यहां सर्विस सेक्टर के कुछ लोग हैं शायद या आने वाले, क्योंकि दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो पेटेंट पे, क्योंकि पेटेंट पे बात होगी तो वो बहुत लंबी है, सर्विसेज पे भी होगी तो लंबी है, दोनों नहीं हो सकते, एक कल करना पड़ेगा एक अभी, तो किस पे बात? आए नहीं आएंगे, आ सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, पेटेंट का करेंगे या पेटेंट छोड़कर फिर सर्विसेज लेना पड़ेगा, कैसे होगा? सर्विसेज पे पेटेंट का कल, ठीक है। गेट एग्रीमेंट में सवेरे से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया है, दो तीन चीजें फिर दोहरा रहा हूं ताकि याद हो जाए। गेट एग्रीमेंट लगभग 576 पन्ने का है, 2000 से ज्यादा उसमें शर्तें हैं, 28 अध्याय हैं, एक अध्याय पर सवेरे चर्चा हुई है, वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि विषय का समझौता। दूसरा अध्याय जो है ना, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा करते थे, टैक्सेशन का सिस्टम। तीसरा अध्याय ऐसा ही उसमें है, ये क्रम से नहीं है, एक दो तीन नहीं है, कोई अध्याय उसमें 17वें नंबर पर है, कोई 18वें नंबर पर है, कोई 27वें नंबर पर है, कोई 26वें नंबर पर है, लेकिन तीसरा जो मुख्य अध्याय है जिस पर अभी मैं बात कर रहा हूं वो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज करके है, सेवा क्षेत्र का समझौता। सेवा किसको कहते हैं उसकी एक डेफिनेशन उसमें है, गेट एग्रीमेंट में, किसको हम सेवा का क्षेत्र कहें, सर्विसेज किसको कहें, तो वो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। उसमें यह कहा गया है, उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी होता है वो सभी सर्विसेज है। उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी हो रहा है वो सब सर्विसेज हैं। ये उसमें डेफिनेशन है सर्विसेज की। फिर उसमें दो कैटेगरी बनाई है गेट एग्रीमेंट में, एक कैटेगरी है फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरी है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है, जितनी भी बैंक हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, जितनी भी सरकारी सहकारी पत संस्थाएं चलती हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, जितनी सहकारी बैंकें चलती हैं, प्राइवेट बैंकें चलती हैं वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। भारत देश के कर्मचारियों का भविष्य निधि जो होता है, ग्रेच्युटी फंड्स जो होते हैं, वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। शेयर बाजार में जो खरीद बेच होती है वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी एक लिस्ट है, उसमें 29 सेवाएं हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर एक दूसरी सूची है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है, जैसे वकालत का पेशा है, हमारे देश के जितने भी वकील हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सर्विसेज में है लेकिन नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है। प्रोफेसर लोग हैं, लेक्चरर लोग हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सर्विसेज हैं, नॉन फाइनेंशियल है। स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, वो सब सर्विसेज में है, नॉन फाइनेंशियल है। ऐसे ही हमारे देश में हॉस्पिटल चल रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। गौशालाएं चल रही हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। दुकानें चल रही हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, सभी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। टेलीकम्युनिकेशन में हो रहा है, मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, ये सभी सर्विसेज है, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में पूरी लिस्ट है, उसमें 64 सर्विसेज है लगभग 64, और फाइनेंशियल में 29। ये है डेफिनेशन। हरेक WTO के चैप्टर में पहला जो प्रोविजन है वो डेफिनेशन का है। जैसे मैंने कहा ना एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, तो अब इसमें आर्टिकल नंबर 1 तो वो होगा डेफिनेशन। डेफिनेशन सर्विसेज क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन, वो आर्टिकल 2। तीसरे नंबर से आर्टिकल शुरू होते हैं मेन, जो शर्तों के रूप में है।
तो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज में तीसरे नंबर का जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि ये समझौता लागू होने के बाद, माने 1 जनवरी 2005 के बाद जो तारीख है लागू होने की, दुनिया के सभी देशों को जो भी इसके मेंबर हैं अपनी सारी सीमाएं फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए खोलनी पड़ेंगी। शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर। फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है? विदेशी बैंकें, विदेशी बीमा कंपनियां, विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्में, विदेशी वकालत की फर्में, विदेशी होटल, विदेशी हॉस्पिटल, विदेशी डॉक्टर, विदेशी यूनिवर्सिटीज, विदेशी कॉलेजेस, विदेशी गौशालाएं, विदेशी आयुर्वेदिक शालाएं, जो कुछ भी विदेश से आता है वो सब के लिए दरवाजा खोलिए आप। ये उसकी कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, कोई भी देश बाहर से आने वाले किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, माने कंपनी को, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाएगा। माने विदेशी बैंक यहां आकर अगर कुछ काम करना चाहे तो भारत सरकार उनको रोकेगी नहीं, विदेशी बीमा कंपनियां आए तो सरकार उनको रोकेगी नहीं, विदेशी यूनिवर्सिटीज आए तो सरकार उनको रोकेगी नहीं। कोई भी क्षेत्र में विदेशी कंपनी आए सर्विस के सेक्टर में, आप उन्हें रोकेंगे नहीं, किसी भी तरह की उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। और चौथा कंडीशन है, चौथा प्रोविजन है वो ये कि सभी फॉरेन सर्विस कंपनीज को या प्रोवाइडर्स को नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये थोड़ा टेक्निकल है। ये क्या मतलब है नेशनल ट्रीटमेंट का? भारत देश की बैंकों को भारत की सरकार जितनी सुविधाएं देती है वो सारी सुविधाएं विदेशी बैंकों को देनी पड़ेंगी। ये है नेशनल ट्रीटमेंट। इसी तरह से भारत की बीमा कंपनियों को भारत की सरकार जितनी सुविधाएं देती है वो सब सुविधाएं विदेशी बीमा कंपनियों को देनी पड़ेंगी। भारत की सरकार भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जितनी सुविधाएं देती है उसी तरह से विदेशी विश्वविद्यालय और विदेशी कॉलेजेस को सुविधाएं देनी पड़ेंगी। माने जो सुविधाएं भारत सरकार भारत के लोगों को, सर्विसेज कंपनियों को देती है, वो सब विदेशियों को देनी पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि भारत की सरकार क्या सुविधाएं देती है? मैं आपको बताता हूं। जैसे भारत में बैंकें हैं जो नेशनलाइज्ड हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ी सुविधा ये मिली हुई है कि ये सारी बैंकें कहीं पर भी बिल्डिंग बनाएं, सरकार उनको बहुत कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराती है, बहुत कम कीमत पर। कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार भूमि उपलब्ध ना कराए तो उनको बहुत कम लीज रेंट पर भूमि दे दी जाती है। आप सोच नहीं सकते, हिंदुस्तान में कई बैंकें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चल रही हैं और उसका लीज रेंट साल का 1.25 रुपया है, 2.5 रुपया है, 20 रुपया है, 25 रुपया है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स को सरकार की तरफ से सब मिलने वाली सबसे पहली सुविधा है, ठीक है। तो अब WTO की कंडीशन यह है कि जितनी सुविधाएं आप भारत की बैंकों को, भारत की बीमा कंपनियों को दे रहे हैं वो सब विदेशियों को भी दो। माने विदेशी बैंक आकर सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन मांगे तो आप उनको उपलब्ध कराओ। विदेशी बीमा कंपनियां आके सरकार से सस्ती कीमत पर कोई चीज मांगे तो आप उपलब्ध कराओ। और अगर आपने नहीं कराई तो वो शिकायत करेंगे WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल में कि भारत सरकार WTO की कंडीशन को लागू नहीं कर रही। तो फिर वही चक्कर जो मैंने आपसे कहा, आपको पेनल्टी हो, पनिशमेंट हो और फिर वो सब शुरू हो जाए। तो एक तो ये सुविधा आपको देनी है। दूसरा क्या होता है, भारत में भारत का नागरिक कुछ भी कर सकता है। अगर वो भारत का नागरिक है तो वकील हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, लीज फर्म कुछ भी कर सकता है भारत का नागरिक। तो कोई भी विदेशी नागरिक अगर भारत में आता है और कुछ भी करना चाहे तो उसकी छूट उसको होनी चाहिए। ये है, आप नेशनल ट्रीटमेंट उनको दीजिए। इसी तरह से हमारे देश की जो बैंकें होती हैं वो कोई काम करती हैं तो सरकार उनका एक रेट फिक्स करती है, CRR रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है।
ये एक तरह की सुविधा है कि आपको आपकी बैंक में जमा जो जमा राशि है, धनराशि है जो नागरिकों के द्वारा आपके यहां जमा की गई है, उसका एक निश्चित मात्रा रख के बाकी आप कर्जे पर देख सकते हैं। हर समय बैंक में इतना कैश रहना चाहिए, एक उसका लिमिट बना दिया उन्होंने, तो ये सुविधाएं आप विदेशियों को भी दे सकते हैं। यही इस तरह की, ऐसे ही अन्य तरह की सुविधाएं हैं, जैसे एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि सरकारी बैंकें जो है ना, उसमें जो एनपीए आ जाता है तो भारत सरकार कई बार अपने खजाने का पैसा उसमें डालने को तैयार रहती है, अगर कोई भारत की बैंक डूबने की स्थिति में। तो विदेशी भी अगर ऐसी सुविधाओं की मांग करें तो उनको आप दो। ऐसी कोई भी सुविधा जो भारत में मिलती है, अब जैसे भारत में विश्वविद्यालय होते हैं, सभी विश्वविद्यालयों को जमीन दी गई है कौड़ी के भाव में, आप पता लगा लो। दिल्ली विश्वविद्यालय जहां चलता है वो जमीन की मार्केट में कीमत जो है ना, जिस समय वो जमीन दी गई थी तब 1 करोड़ रुपए एकड़ थी, लेकिन सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय बनाने के लिए वो जमीन मुश्किल से 1000 रुपए एकड़ में दे दिया। अब विदेशी कंपनी आके कहती है कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को इतनी सस्ती जमीन मिली है तो हमें भी मिलनी चाहिए, तो आप उसे ना नहीं कह सकते। ऐसे ही हमारे देश में एयरपोर्ट्स जो है ना, ये सब सर्विसेज में आते हैं। जितने भी भारत देश में एयरपोर्ट हैं, सबके पास हजारों एकड़ जमीन है। दिल्ली एयरपोर्ट को कभी आप जाओ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके पास 6000 एकड़ जमीन है। अब कोई विदेशी कंपनी आके भारत में एयरपोर्ट बनाए और वो कहे हमको भी 6000 एकड़ जमीन चाहिए, तो भारत सरकार को वो उपलब्ध करानी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो सब सर्विसेज में आती हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर नाम की एक संस्था है, आप जानते हैं गीता प्रेस के बारे, जो रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता छापती है, तो भारत सरकार की तरफ से उनको हाईली सब्सिडाइज रेट में कागज मिलता है, हाईली सब्सिडाइज रेट, तो कागज उनको बहुत सस्ता मिलता है। तो वो क्या करते हैं, वो भी बहुत ईमानदार लोग हैं, तो इतनी मोटी मोटी रामचरितमानस 450 पन्ने की 25 रुपए में दे देते हैं, 20 रुपए में दे देते हैं, उनको सस्ता कागज। अब कोई विदेशी संस्था आके कहे कि जी हमको बाइबल छापनी है तो आप भी हमको सब्सिडाइज रेट में कागज दिलवाओ, तो सरकार उसको मना नहीं कर सकती, देना पड़ेगा। अगर आप गीता छपने के लिए सब्सिडाइज कागज दे सकते हो तो बाइबल छपने के लिए भी दो। कोई विदेशी कंपनी आके यहां पर कोई इस तरह की सर्विसेज शुरू करे, जैसे भारत में तमाम गौशालाएं चलती हैं और गौशालाओं में कई जगह जमीनें सरकारों द्वारा दी गई हैं, बहुत कम रेट पर, नॉमिनल रेट पर, कहीं कहीं तो टोकन मनी पर जमीनें दी गई। अब कोई विदेशी कंपनी को यह ध्यान में आ जाए कि भारत में गौशाला के नाम पर जमीन मिलती है और वो यहां आके गौशाला चालू करे, तो आप उसे मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा आपको। तो सर्विसेज का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, वो इस तरह का है। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये जो BSNL है और भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सरकार के द्वारा दी गई है और फुकट में ऐसे ही दे दिया है सरकार। अब कोई विदेशी कंपनी आती है, एयरटेल आती है और ये दूसरी आती है, और वो ये कहना शुरू करे कि हमको भी ये मिलना चाहिए, तो सरकार उसको ना नहीं कह सकती। तो इस तरह से सर्विसेज के सेक्टर में कानून, वो नियम ऐसे हैं WTO के, कोई भी विदेशी सर्विस प्रोवाइडर भारत में आता है तो उसको हर वो छूट मिलनी चाहिए जो भारतीय सर्विस प्रोवाइडर को मिलती है। माने दोनों के साथ आप बराबर व्यवहार करेंगे, आप भारतीय सर्विस देने वाले को ज्यादा पसंद करें, ज्यादा मदद करें और विदेशी को कम, ये नहीं हो सकता। आपको दोनों के प्रति समान दृष्टि रखनी है। ये है WTO एग्रीमेंट की कंडीशन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो विदेशी सर्विस प्रोवाइडर किसी भी देश में जाएंगे, उनके जो प्रॉफिट्स हैं उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे विदेशी बैंक आके यहां मुनाफा कमाए तो भारत सरकार उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। माने भारत सरकार ये नहीं कह सकती विदेशी बैंकों को कि आप इतना मुनाफा मत कमाइए, ये भारत में जरूरत से ज्यादा है। या विदेशी बीमा कंपनी आके कोई मुनाफा कमाए
तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, इतना मुनाफा मत कमाइए। और विदेशी सर्विसेज के काम में लगी हुई जो संस्थाएं हैं उनके किसी भी तरह के रूल्स में, रेगुलेशंस में, गवर्नेंस में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हस्तक्षेप करने का मतलब क्या है। अभी थोड़े दिन पहले सुनामी भूकंप आया, आप सब जानते हैं, ये ताजा उदाहरण है तो आपको समझ में आएगा। सुनामी भूकंप आया तो हमारे देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने भारत के तमिलनाडु के बैंकों को यह कहा, खासकर उन बैंकों को जो सुनामी प्रभावित एरिया में थे। सुनामी प्रभावित एरिया में 13 जिले हैं तमिलनाडु के, और पूरा एक राज्य है जो अंडमान निकोबार है, वहां पर कुछ 20-22 बैंक हैं अंडमान निकोबार में और थोड़ा पांडिचेरी में। तो प्रधानमंत्री महोदय ने सभी बैंकों को जो सुनामी प्रभावित एरिया में हैं, भारत की हैं, उनको आदेश दे दिया कि आप सुनामी प्रभावित लोगों को कम से कम ब्याज दर पर तत्काल कर्ज उपलब्ध कराओ, तत्काल, अभी कोई आए तो उसको दो, कागज वागज बाद में बनाओ, कर्ज देना है तुरंत दे दो। माने उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा कि मछुआरे थे जिनकी नावें चली गई, जाल चला गया, अब उनको जिंदगी दोबारा शुरू करनी है तो तकलीफ की स्थिति, इसलिए तत्काल आप कर्ज देना शुरू कर दो कम से कम ब्याज दर पर। तो इन्होंने कहा कम से कम ब्याज दर क्या हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि भारत में जो घर बनाने के लिए ब्याज दर है उससे भी कम। तो घर बनाने के लिए इस समय 7.5-8% है, कितना है? तो प्रधानमंत्री ने 5-5.5% की ब्याज दर फिक्स करवा दिया और कहा कि इनको कर्ज देना शुरू कर दो और शुरू के एक साल का ब्याज माफ कर दो। तो भारत की जो बैंकें हैं वो भारत के संविधान के तहत हैं और प्रधानमंत्री संवैधानिक उप प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उप प्रमुख है। तो भारत की कोई बैंक में हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ना कहे, माने भारत की हर बैंक को ये करना ही पड़ेगा। तो भारतीय बैंकों ने तत्काल वहां पर कर्ज बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, एक दिन प्रधानमंत्री ने भारत की बीमा कंपनियों को कहा कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जिनका भी बीमा था, LIC हो या GIC के द्वारा, वो तत्काल बीमा की राशि उनको बांट दी जाए, भले उनके पास कागज हो या ना हो। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने बीमा कराया है और प्रीमियम भरा है और उनके कागज बहके चले गए हैं तो आपके रिकॉर्ड्स चेक करो और उसमें मिल जाए तो तुरंत उनको बीमा का भुगतान करो। तो तुरंत बीमा कंपनियों ने अपने कैंप लगाना शुरू कर दिया, गांव-गांव में भुगतान शुरू हो गया, वो अभी भी चल रहा है। ये दो उदाहरण। अब यही बात जब प्रधानमंत्री ने विदेशी बैंकों से कही, सिटी बैंक ऑफ अमेरिका भी है वहां पे, मद्रास में काम करता है और मद्रास में सुनामी भूकंप आया था, ANZ ग्रिंडलेस भी है मद्रास में, वो भी विदेशी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है, वो भी विदेशी है, और प्राइवेट बैंकें भी हैं जो भारत की हैं, जैसे ICICI है, फिर उसके बाद ये है, कौन सी है, HDFC है। तो प्रधानमंत्री ने इनको एक चिट्ठी भेजा, इनको चिट्ठी भेजा कि आप भी इसी काम में लगो। तो जवाब पता है क्या हुआ, ये सभी बैंकों ने प्रधानमंत्री को वापस चिट्ठी भेज दिया, सॉरी हम ये काम करने के लिए भारत में नहीं आए, वी आर सॉरी। माने विदेशी बैंकों ने तो सीधे मना कर दिया कि हम आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं दे सकते, हम इसके लिए आए नहीं है यहां पे। ठीक है, और भारत की प्राइवेट बैंकों ने प्रधानमंत्री को कह दिया कि चूंकि विदेशी प्राइवेट बैंकें तैयार नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उनसे कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री खिसे आके रह गए। अब प्रधानमंत्री में इतनी भी दम नहीं है कि उनको नोटिस दे और कहें कि भारत से भाग जाओ। मतलब क्या है, विदेशी बीमा कंपनियां या विदेशी बैंकें यहां आकर मुनाफा कमाएं, लूट के ले जाएं, वो तो रास्ते खुल गए हैं, लेकिन भारत को कभी जरूरत पड़ जाए उनकी मदद की तो उनसे आपको थोड़ी भी मदद मिलेगी, ऐसी अपेक्षा ना करें। ये कंडीशन WTO में है। तो जब इन्होंने मना किया तो प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के रिजर्व बैंक के गवर्नर को बुलाया और कहा कि इनको जरा कड़क शब्दों में कह दो कुछ। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उनको नोटिस जारी किए। उन बैंकों ने
इससे भी ज्यादा कड़ी भाषा में जवाब दे दिया कि मिस्टर सो एंड सो, आप भूल रहे हैं कि भारत सरकार